सो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद सनी पाजी की मूवी गदर 2 थिएटर में दस्तक दे चुकी है। कैसी है मूवी, करती हूँ मैं बात। गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दें। गाइज इस मूवी की हाइप तो बहुत टाइम से बनी हुई थी। गदर 2 तारा सिंह और उनके बेटे जीते के बीच के गहरे प्यार और अटूट बंधन के बारे में है। मूवी की स्टोरी तो हमें पता है कि तारा सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। मूवी ओवरऑल 3 घंटे की है। फर्स्ट हाफ में मूवी स्टोरी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम ले जाती है, जिसके कारण आपको मूवी लिटिल बोरिंग लगेगा। पर इंटरवल के जस्ट पहले एक ट्विस्ट आता है और मूवी वहां से टर्न लेती है और आपको एंगेज करना शुरू कर देती है। पहले तो एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग सभी ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। उत्कर्ष शर्मा ने जो जीते का रोल प्ले किया है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। मूवी के फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम स्क्रीनिंग जीते की ही देखने को मिलती है और गाइज मूवी के सेकेंड हाफ में भर भर के एक्शन, डायलॉग और इमोशन देखने को मिलते हैं। भाई साहब लाजवाब। मूवी में एक हैंडपम्प वाला भी सीन था और क्या गजब एपिक सीन था वो। इसकी एक झलक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली थी। मनीष बाधवा ने मूवी में पाकिस्तान आर्मी जनरल चीफ का निगेटिव रोल बहुत अच्छे से निभाया है। गदर 2 में अमीषा पटेल मुझे साइड आर्टिस्ट के रोल में लगी। गाइज मूवी में कहीं कहीं गदर फर्स्ट के क्लिप को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है एंड वर्थ वॉचिंग है। गाइज अगर आपने मूवी देखी है, आपकी इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।